नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के द्वारा कांस्टेबल फायर के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कॉन्स्टेबल फायर मेल कैंडिडेट्स के लिए 2024 जारी कर दिया गया है, जिसका नोटिस नंबर है। आवेदन करने की अंतिम तिथि और शुरुआत की तिथि है 31 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को ध्यान रखना है 30 सितंबर 2024 रात के 11 बजे तक है। केवल पुरुष कैंडिडेट्स ही, चाहे वो किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल फायर पदों को सातवें वेतन आयोग के लेवल 3 के अंतर्गत जो वेतनमान होगा 21,700 से 69,100 रुपये होगा, और अन्य जो अलाउंसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो पेंशन दी जाएगी वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, न्यू पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पेंशन दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य माध्यमों से एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया दोहराई जाएगी, इसके अंतर्गत फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये पहली चरण में लिया जाएगा। जो कैंडिडेट इन्हें क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन जो कि OMR या CBT मोड में हो सकता है, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन को पूरा करना होगा। आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इन पदों के लिए वैकेंसी जो हैं स्टेट वाइज अंडमान निकोबार में टोटल यहां पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसी हैं 32 और अरुणाचल प्रदेश में टोटल हैं 15 वैकेंसी, आसाम में 164 हैं, बिहार में है 56, छत्तीसगढ़ में है 14 और नक्सल या मिलिटेंसी एरिया में 41 हैं। दादर नगर हवेली में कोई वैकेंसी नहीं है, दिल्ली में 9 वैकेंसी हैं, गोवा में 1 वैकेंसी है, गुजरात में 32 हैं, हरियाणा में हैं 14 और हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 65 वैकेंसी हैं, झारखंड में आप देखेंगे यहाँ पर एंटायर स्टेट में 18 और नक्सल और मिलिटेंसी एरिया में 29 पद हैं, कर्नाटका में 33 पद हैं, केरला में एंटायर स्टेट में 18 और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 19 पद हैं, लद्दाख में 1 पद है और मध्य प्रदेश में एंटायर स्टेट के लिए 39 और नक्सली एरिया के लिए 17 वैकेंसी हैं, महाराष्ट्र में 61 हैं और नक्सली एरिया में 11 पद दिए गए हैं, जबकि मणिपुर में 16 पद हैं, मेघालय में 22 पद हैं, मिजोरम में 8 पद हैं, नागालैंड में 15 पद हैं। इसके साथ ही यहाँ उड़ीसा में देखेंगे 23 पद हैं और नक्सल एरिया में 41 पद हैं, पुदुचेरी में 1 पद है, पंजाब में 15 हैं और राजस्थान में 37 पद हैं। इसी तरह तमिलनाडु में 39 हैं, तेलंगाना में 19 और 7 पद हैं नक्सल एरिया में, त्रिपुरा में 26 पद हैं, 108 पद हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड में 5 पद हैं और वेस्ट बंगाल में 49 और 6 पद रखे गए हैं नक्सल एरिया में। तो यहाँ जो टोटल पद हैं अनरिजर्व के 466 हैं, EWS के 114 हैं, SC के 153 हैं, ST के 161 और यहाँ OBC वर्ग में 236 पद हैं। कुल मिलाकर 1130 पदों के लिए इन पदों पर भर्ती की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एजुकेशन बोर्ड से। एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 को आधार मानकर, यानी आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर 2001 के पहले का और 30
सितंबर 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और ऐसे पर्सन जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएच को 5 साल, ओबीसी को 8 साल, एससी एसटी को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। तो इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। अपलोड करने हैं आपको रीसेंट कलर फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के साइज का, सिग्नेचर आप देखेंगे 10 से 20 केबी के साइज में, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, और अन्य जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 30 सितंबर 2024 रात के 11 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात कर लेते हैं तो 100 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने पर वो वापस नहीं की जाएगी। जबकि एससी एसटी ईएसएम ये सभी जो कैंडिडेट हैं इनको फ़ीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ़ीस पेमेंट आप कर सकते हैं 30 सितंबर 2024 रात के 11 बजे तक ऑनलाइन मोड में, जबकि चालान के माध्यम से एसबीआई ब्रांच में जाकर बाई कैश आप 2 अक्टूबर 2024 तक फीस पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2024 के बीच में। पहली बार करेक्शन करने पर आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के अंतर्गत जो कि हाइट बार टेस्ट और पीईटी रनिंग इवेंट को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कैंडिडेट की हाइट जो कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज से संबंधित हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट की जो माप है 78 से 83 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव या एक्सपेंशन जरूरी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि ट्राइबल कैंडिडेट्स हैं उनकी ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर है और छाती की जो माप है 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव अत्यंत आवश्यक है। यहाँ जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर पर आधारित हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में लिया जा सकता है। वो सभी कैंडिडेट्स रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे जिन्होंने पीईटी, पीएचडी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज क्वालिफाई कर ली हैं। रिटर्न टेस्ट में सभी जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों के होंगे। पार्ट इसमें 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 25 प्रश्न, पार्ट बी में जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पर 25 प्रश्न, पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर 25 प्रश्न और पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी पर टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25-25 मार्क्स के। टोटल समय होगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। सभी प्रश्न जो होंगे वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा 12th लेवल का होगा, साइंस सब्जेक्ट स्टैंडर्ड का। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ईएसएम के लिए 35%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड जानकारी के लिए दिए गए विज्ञापन को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको CISF की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देख रहे हैं करंट ओपनिंग की जगह यहाँ पर आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कॉन्स्टेबल GD एग्जामिनेशन इन CAFs ये दिया गया है। इस तरह का ऑप्शन यहाँ दिया होगा, उस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अंतर्गत कांस्टेबल फायर के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 30 सितंबर 2024 रात के 11 बजे तक।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी नौकरियों के लिए समय से आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।